तो बता दिया कट कहाँ पर लेना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तो कंप्लीट हो गया है। और देखा मैंने काफ़ी वीडियो दिखा दी, गाड़ी काम तो है लेकिन वीडियो वो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं, जो दो बार वीडियो डालना नहीं चाह रहे हैं। जो न्यू गाड़ी आए काम अलग है, आपको सीखने को कुछ मिले, वही वही पुराना पुराना काम अच्छा नहीं लगता ना। तो इस वीडियो देखिए, वीडियो एंजॉय करें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये हुंडई सेंट्रो है, अब इसमें हम डालने जा रहे हैं पिस्टन रिंग। ये रखे इसके पिस्टन रिंग डाल दी मैंने इसमें, तो आपको बता दें किस तरीके से इसमें डाले जाएंगे, ए टू जेड फिटिंग बताएंगे। ये इसका कार्ट रिंग है और बीच में ऑयल रिंग है, फिर ऊपर कार्ट रिंग है, कंप्रेसर रिंग है, टॉप रिंग है, ठीक है, तीनों वो पाँचों रिंग हैं इसमें। आपको दिखा दें, बता दें किस तरीके से रहता है। ये तीर का निशान टाइमिंग की तरफ रहता है, ये इनटेक की तरफ रहता है, ठीक है, और एक कार्ट रिंग होता है वो ऊपर वाला कार्ट रिंग इसके साइड में रहता है, ठीक है, जिधर ये टॉप रिंग रहा ऊपर वाला कार्ट रिंग उसी साइड में रहेगा, ठीक है। और इधर आ जाओ, उसके साथ में देख लो, जो वो इनटेक की तरफ रहेगा तो इधर ये सामने रहेगा पॉजिटिव इसका, ठीक है, हल्का सा इधर रहेगा। ये वाला कंप्रेसर रिंग इधर साइड में रहेगा और इसका कार्ट रिंग है वो इधर रहेगा, ठीक है, उसके नीचे वाला कंप्रेसर कार्ट रिंग है ऊपर वाला, उसके नीचे कार्ट रिंग रहेगा इस साइड में, ठीक है, देख सकते हो इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये हो गया, और इसका जो ये टाइमिंग तीर का निशान है, जो इसका ऑयलिंग होता है वो यहाँ पर रहता है, जस्ट इसके यहाँ पर वो डब्लू बना के डालना चाहिए, ठीक है। तो इस पर ऑयल लगा के फिर अभी आपको डाल के इसमें फिट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर एक नंबर से एक नंबर, चार नंबर, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, इस तरीके से ठोकेंगे। तो पहले एक नंबर सेट कर लें, ठीक है, फिर आपको दिखा रहे हैं। हमने रिंग सेट कर लिए हैं, ये टाइमिंग कितना रहेगा इसका तीर का निशान, ठीक है। हमने रिंग आपको बता दिया था किस साइड किस तरीके से रहना चाहिए, तो इसको हम लगा देंगे। ये देखो, मैंने पिस्टन ठोक दिया और इसका जो कट होता है वो कट की जगह पर रहता है, ठीक। मैंने आपको दिखा दिया जो कट हो कट में बैठेगा, आपको एक बार नीचे से दिखा दे रहे हैं। ये पिस्टन में ठोक दिया और उसमें कट देखो, उस साइड में पीछे की साइड में कट है, तो हम उसी साइड में इसका कट रख के इसके दो नट लगा देंगे। नट लगाने के बाद जब इसका चौथा नंबर, चार नंबर पिस्टन ठोकेंगे फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। चार नंबर पिस्टन ठोक, वो एक नंबर पिस्टन ठोक दिया, इसका चार नंबर पिस्टन ठोकने जा रहे हैं। इसका चार नंबर पिस्टन है और ये देखिए, ये देखिए, ये इसका कंप्रेसर रिंग है वो इधर रहेगा सिलेंसर की तरफ, और इसका जो कार्ट रिंग है वो भी इधर रहेगा, ठीक। जो सिलेंसर वाला रिंग है वो सिलेंसर की तरफ दोनों रिंग रहते हैं, कार्ट रिंग और एक कंप्रेसर रिंग, ठीक है। और इधर आ जाओ, ये जो टॉप रिंग होता है इनटेक की तरफ होता है, इनटेक की तरफ होता है, और ये टॉप रिंग होता है हमने आपको बताया था वो इनटेक की तरफ रहता है, और जो इसका अपोजिट वाला रिंग होता है कार्ट रिंग वो उसके नीचे ही रहता है, इसके साथ में रहेगा ये वाला कट, ठीक। ये जो टॉप रिंग इधर रहेगा उधर ये वो कार्ट रिंग रहेगा, ठीक है। और इसका वो मैंने आपको बता ही दिया था, इसका जो वो होता है ऑयल रिंग वो यहाँ पर रहता है, ठीक, इसके गजन पिन के सामने रहता है, टाइमिंग की तरफ तीर के निशान के सामने, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको हम चारों पिस्टन ऑयल लगा के इसमें ठोक देंगे, तो इसका पिस्टन उस्टन लगा के हम इसमें ऑयल लगा के इसको ठोक देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद चार नंबर पिस्टन ठोक देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे। देखिए मैंने इसका चार नंबर भी पिस्टन ठोक दिया है, और ये इसका कैप है, वो कैप इसको काट, वो जो इधर कट होता है उधर रहता है, इसके बारह नंबर के दो नट होते हैं, इसके बारह नंबर कैप लगा के, बारह नंबर का नट लगा के फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक है। कैप टाइट कर देंगे फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, और एक नंबर चार नंबर टॉप पे कर लेंगे, फिर इनको नीचे कर देंगे, दो नंबर तीन नंबर को नीचे कर लेंगे, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक। ये देखिए मैंने
टॉप पैक कर लिया है और इसका हम दो नंबर पिस्टन ठोकने जा रहे हैं, वो निशान लगा लेता मैं और देख लो उसी तरीके से मैंने रखा है इसका भी, ठीक है उसी तरीके से मैंने रखा है इसका भी और इधर का भी उसी तरीके से है, तो उसी तरीके से इसका भी रखा है मैंने, तो ये दो नंबर है इसमें लगा के इसको ठोक देंगे, आपको बता दें, चलो बाद में बता ही देंगे, ठीक शुरू में बता देंगे, स्टार्टिंग में बता देंगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे यार तुम दिखाते नहीं हो कैसे ठोका जाता है, तो मेरी भी मजबूरी है, बस शुरू में बता देंगे, ठीक है। तो इसको लगा के इसका पिस्टन इसको लगा बैठा के फिर अभी आपको दिखाएं, ठीक है। इसको भी लगा लिया है और आपको क्या करना है, ये जो रिंग कैचर है इस तरीके से यहाँ पर रखो और इसके बीच में डाल लो, यहाँ पर इस तरीके से घूमेगा नहीं, और यहाँ पर चाबी से इसको टाइट कर दो, चाबी से टाइट करके फिर इसका पेचकस निकाल के इसको ठोक दो, तो आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम बता ही देंगे शुरू में क्या प्रॉब्लम होती है, हम नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है, बता ही तो देते हैं किस तरीके से करना चाहिए। तो फिर इसको हम ठोक के फिर आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको ठोक के इसका जो है बिगन वो टाइट लगा देंगे, 12 नंबर के नट हैं जो वो टाइट कर देंगे, कट में कट रहेगा, ठीक है, बराबर बोल्ट मिला के टाइट कर देंगे, ठीक, फिर आपको दिखा रहे हैं इसका ठोक के इतने, फिर आपको दिखा रहे हैं, ठीक। देखिए मैंने इसको वो लगा दिया है, वॉल्यू लगा के बिल्कुल सेट कर लिया मैंने, जिस हिसाब से सेट होना चाहिए उस हिसाब से सेट कर लिए, तो इसका पिस्टन ठोक देंगे जिस तरीके से, इसके तीनों पिस्टन ठोके उसी तरीके से ठोक देंगे, फिर आगे फिटिंग आपको बताएंगे, ठीक है। कैप उप लगा दिया मैंने, आपको दिखा दिया था किस तरीके से लगाना चाहिए, तो इसको ठोक के फिर आगे फिटिंग आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने पिस्टन चारों ठोक दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों घुमा के देख लिया अच्छे से घूम रहा अराउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कट कहाँ पर रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तो कंप्लीट हो गया है और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको बता दें वीडियो क्यों नहीं आ रही है, हमारे पास काम पेंडिंग का काम है, जो मैंने स्कॉर्पियो करवाना था उसी का इंजन हो रहा है, उसके पैसे नहीं मिले तभी इंजन रुका पड़ा है, तो काम हमारे पास वही है, जो गाड़ी तो है काफ़ी लेकिन इंजन तो काफ़ी खुले पर, आपको दिखा दें किसके इंजन खुले पर हैं, एक तो स्कॉर्पियो का है और i10 का है और अभी वैगनआर का मैंने करके दिया इंजन है, तो मैंने वैगनआर का क्यों नहीं बनाया था, अभी गाड़ी स्टार्ट ही चल रही है, आपको दिखा देंगे। तो इंजन करा था मैंने अल्टो का करके रखा था, वैगनआर का मैंने करा नहीं था, दिखाए वीडियो बनाई नहीं थी, तभी मैंने आपको बता दें काम तो है इंजन के काफ़ी वीडियो हैं लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो हम वीडियो डाल चुके हैं, तभी दो बार वीडियो डालना नहीं चाह रहे हैं बना के, आपको दिखा दें कौन कौन सी गाड़ी है, तो फिर गाड़ी दिखा के आपको दिखा। तो अभी तो मैंने इसके रिंग डाले हैं, तो एक गाड़ी हो गई, एक हो गई, इसका हेड रखा है और आपको दिखा दें दूसरी गाड़ी, इसका हेड खुला है, तो इसमें बताना कुछ नहीं होता है, वही है मैंने आपको बता के रखा है, यह इसका हेड रखा है, ये इसका हेड है और इंजन देखिए, ये गाड़ी है, इसमें देखिए इंजन लीक देख सकते हो, यहाँ हेड गैसकेट लीक कर रही है, यहाँ से देख सकते हो इंजन लीक कर रहा है, कितना इंजन सारा नीचे बेकार हो गया, तो इसका इंजन पूरा उतार लेंगे अच्छे से, हेड ब्लॉक इसका फेस करवा देंगे, तो अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या हो गया इंजन, और स्कॉर्पियो का मैंने आपको बताया था, और अभी इसका इंजन बांधा है हमने, ये देखिए अभी इसका इंजन बांधा है, तेरह माहौरी मैंने इसकी वीडियो की नहीं बनाई, आपको पता है इसका एक बार डाल चुके हैं, अल्टो कैटन का इंजन डाल चुके हैं, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना वहाँ से, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, इसका भी इंजन बांधा था, तो वीडियो बनाने की तो हैं लेकिन दोबारा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं मैं, ठीक।